कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर राजनाथ सिंह ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि खड़गे का बयान पूरी कांग्रेस पार्टी की सोच है। अहमदाबाद में प्रचार का दूसरा चरण चल रहा है। राजनाथ सिंह ने कहा कि बीजेपी विश्वसनीयता की प्रतीक बन चुकी है। वहीं ये दोनों विपक्षी दल हर दिन अपनी विश्वसनीयता खो रहे हैं। पीएम मोदी के अंदर भारत का कद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बढ़ा है। गुजरात में आज गृहमंत्री अमित शाह चार जगहों पर रोड शो और रैलियां करेंगे। जेपी नड्डा भी चार जगह पर जनसभाएं करेंगे। राजनाथ सिंह छह जगहों पर रैलियां करेंगे। दिल्ली एमसीडी चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने जहां झुग्गी वहां मकान का दाव चला है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि दिल्ली के कई इलाकों में झुग्गी के बदले मकान देने की योजना पर काम चल रहा है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि जो अनियमित कॉलोनी है उनमें पीएम उदय योजना के तहत 50 लाख नागरिकों को लाभ मिलेगा। 2 करोड़ की आबादी में से 1 करोड़ 35 लाख नागरिक हमारी पुनर्विकास योजना से लाभान्वित होंगे। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि आज जो फैसला हुआ है उससे दिल्ली की तमाम जनता को फायदा होगा। हम जनता के काम के लिए बेचैन रहते हैं। दिल्ली के एमसीडी चुनाव में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी नेता नितिन गडकरी ने जंगपुरा में सभा के बाद रोड शो किया। आज 14 बड़े रोड शो करेगी बीजेपी। यूपी में होने वाले उपचुनाव के मद्देनजर सीएम योगी आदित्यनाथ आज यूपी के 3 शहरों का दौरा करेंगे। सीएम योगी का मेरठ, खतौली और गोरखपुर में दौरा। विधानसभा चुनाव में बीजेपी छोड़ समाजवादी पार्टी में आए सहारनपुर के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री धर्म सिंह सैनी फिर बीजेपी में आएंगे। आज खतौली में मुख्यमंत्री योगी के सामने बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने धूमधाम से मनाया शिवप्रताप दिन। सीएम शिंदे ने महाबलेश्वर के प्रतापगढ़ किले पर भगवा ध्वज फहराया। फिरोजाबाद में दर्दनाक हादसा हुआ है। एक ही परिवार के 6 लोग जिंदा जल गए। शॉर्ट सर्किट की वजह से दुकान में भीषण आग लगी। जब तक आग पर काबू पाया जाता परिवार के 6 सदस्यों की मौत हो गई। बहराइच के जरवल में भीषण सड़क हादसा हुआ है। ट्रक और बस के बीच टक्कर में 6 लोगों की मौत हुई और 15 लोग घायल हुए। चश्मदीदों के मुताबिक रोडवेज बस को तेज रफ्तार ट्रक ने साइड से टक्कर मारी थी। एम्स सर्वर हैक मामले की एनआईए कर सकती है जांच। सूत्रों के मुताबिक मामले को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय में उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई। बैठक में एम्स प्रशासन के अलावा एनआईए और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी शामिल हुए। लखनऊ के विकास नगर में सड़क धंसने के मामले में 3 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन। पीडब्ल्यूडी मंत्री जितेंद्र प्रसाद के निर्देश पर गठित की गई कमेटी। कमिश्नर रोशन जैकब ने कमेटी में 2 दिन में रिपोर्ट मांगी। बिहार में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। अरवल में दुष्कर्म में विफल युवक ने घर में आग लगा दी। महिला की झुलसकर मौत हुई। बेटी की हालत गंभीर है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। चंडीगढ़ पुलिस ने बुलेट चोरी करने वाले गैंग को पकड़ा। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 22 लाख रुपए की चोरी किए हुए 15 बुलेट बरामद किए हैं। आरोपियों ने यूट्यूब पर बुलेट का लॉक तोड़ने की ट्रिक सीखी थी। मध्य प्रदेश के सागर जिले से जगन्नाथपुरी दर्शन करने गई युवती की हुई संदिग्ध मौत। साध्वी प्रज्ञा ने सीएम शिवराज को पत्र लिखकर सीबीआई जांच की मांग की है। मैनपुरी में धोखाधड़ी करके एटीएम से पैसे निकालने वाले अंतर्राज्य गिरोह का खुलासा हुआ है। 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से कैश, 48 ATM कार्ड, 65 SIM कार्ड और 2 अवैध तमंचे बरामद। हरियाणा पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने अंबाला में राजस्थान से ले जाई जा रही 13 क्विंटल डोडा और 14 किलोग्राम चूरा पोस्ट जब्त की है। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मथुरा जेल से रिहा बांग्लादेशी कैदियों को पुलिस ने भेजा बांग्लादेश। गैर कानूनी तरह से भारत में रह रहे थे। इनके पास से फर्जी आधार कार्ड भी बरामद किए गए।